कोरोना महामारी का संकट देश में तेजी से गहरा रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी सरकार कोरोना को फैलने से रोकने में सफल नहीं हो पा रही। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। कोरोना के संकट के बीच अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भी संकट के बादल गहराने लगे हैं। दरअसल उद्धव न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं कोरोना के खतरे के चलते महाराष्ट्र में होने वाला MLC का चुनाव भी टाल दिया गया है। ऐसे में अब उद्धव के सामने मुख्यमंत्री पद बचाने की नई मुसीबत खड़ी हो गई है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे को 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ दी थी। संविधान की धारा 164(4) के अनुसार उद्धव ठाकरे को 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के पास कुर्सी बचाए रखने के लिए 28 मई तक का समय है। 28 मई तक उद्धव को किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अब विधानसभा सदस्य बनने के लिए शिवसेना के किसी विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद चुनाव आयोग को 29 मई से 45 दिन पहले उपचुनाव की घोषणा करनी होगी। शिवसेना के विधायकों का आंकड़ा देखते हुए उद्धव किसी भी विधायक का इस्तीफा नहीं दिलाना चाहेंगे। दूसरा जरिया विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने का है। इसके लिए चुनाव आयोग को सिर्फ 15 दिन पहले अधिसूचना जारी करनी होगी। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उद्धव ठाकरे के पास पहला विकल्प राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर निर्भर करेगा। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाली विधान परिषद की 2 सीटें फिलहाल रिक्त हैं। इनमें से 1 सीट पर राज्य सरकार उद्धव ठाकरे के नाम को नामित करने के लिए राज्यपाल के पास सिफारिश कर सकती है। यदि राज्यपाल इस पर सहमत हो जाते हैं तो उद्धव की कुर्सी बच जाएगी। वहीं दूसरा विकल्प है कि वो अपने पिछले शपथ ग्रहण से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। इसके बाद उन्हें दोबारा CM पद की शपथ लेनी होगी, जिसके लिए उन्हें विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 6 महीने का और समय मिल जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।